Hey guys, good morning, welcome to my YouTube channel. I am Rahul Comeback. दोस्तों आज ज़बरदस्त जाम में फंसे हुए हैं और आज मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा जब ट्रैफिक होता है, जब गाड़ी को रुक रुक कर बढ़ाना होता है तो कैसे हमें कार को कंट्रोल करना चाहिए। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत एक्साइटेड हैं और कल ये सोच भी रहे थे कि जाम में कैसे चलाना, आज देखो जाम इनको मिल गया। पिछले 15 मिनट से जाम में फंसे हुए हैं, 15 से 20 मिनट हो गया, एक ही पॉइंट पर खड़े हुए हैं जगरानी चौराहे पे। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। एक्चुअल में सुबह का टाइम है और यहाँ पे अभी पुलिस वगैरह है नहीं रोड पे, तो इसलिए चारों तरफ से लोग फंसा के रखे हुए हैं। हल्का लेफ्टी रखना, राइट मत, गाड़ी सीधी रखो, हाँ टेढ़ी ना करो। देख रहे हैं कैसा ट्रैफिक है, ऐसे ट्रैफिक में कार को रोक रोक कर चलाना, हाफ क्लच हाफ ब्रेक, एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, हाफ क्लच और हाफ ब्रेक। 2 फीट बढ़ते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, 2 फीट बढ़ते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। मेरी साइड आप देख रहे हो कितनी बसों की लाइन लगी पड़ी है, देख रहे हो पीछे कितना तगड़ा जाम है, पीछे काफ़ी दूर तक जाम ही जाम है। ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है और ऐसे ट्रैफिक में कार को रोकना बढ़ाना, वो भी हाफ क्लच में बिना एक्सेलेटर। अगर फुल क्लच छोड़ोगे तो इंजन बंद हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट गियर में कभी भी फुल क्लच नहीं छोड़ा जाता है। हल्का लेफ्ट ही दबा के रखो अपनी गाड़ी, जाओ बंद हो गई गाड़ी, आपने यहाँ पे नहीं स्टार्ट करो, नहीं स्टार्ट हुई, स्टार्ट करो, हल्का एक्सीलेटर ले लिया करो स्टार्ट करने टाइम, बस जाओ खिसको, पूरा क्लच छोड़ोगे गाड़ी बंद हो जाएगी, लेफ्ट आओ लेफ्ट, हाँ बस सीधी रखो। देख रहे कितना ज़बरदस्त जाम है, ऐसे जाम में गाड़ी अगर आपकी बार बार रुकना बढ़ाना, तो इसमें क्लच और ब्रेक का दोनों का मैचिंग हो जाता है, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने क्लच जरा सा भी ज़्यादा छोड़ा तो इंजन बंद हो जाएगा। और मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे जाम में अगर आपने कार को निकाल लिया तो आप कभी भी कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं। असली जो कॉन्फिडेंस होता है वो यही होता है कि अगर आप ऐसे एक जाम में रोक रोक कर गाड़ी को आपने बढ़ा लिया तो उसके बाद आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा मत सटाना, दोनों साइड गैप नहीं है, गैप नहीं, देखो इधर भी गैप नहीं है और उस साइड भी ई रिक्शा खड़ा हुआ है, स्पेस नहीं है। अभी जैसे कि आपने गाड़ी रोक रखी तो आपने पूरा क्लच दबा लिया, ब्रेक ले लिया, गाड़ी ऑलरेडी गियर में है, फर्स्ट गियर में है ना। यहाँ पे आप अगर ज़्यादा देर खड़े हो ना तो आप न्यूट्रल भी कर सकते हैं, न्यूट्रल करके आप क्लच को फ्री कर सकते हैं, क्लच को आप फ्री कर सकते हैं, इससे थकान भी नहीं होगी, हाँ पैर नहीं दुखेगा ना ज़्यादा देर तक। अगर क्लच दबा के रखेंगे तो पैर दुखने लगता है। अब ये टेढ़ी पुलिया क्रॉस कर गया होगा जाम, पीछे टेढ़ी पुलिया क्रॉस कर गया होगा, पीछे 2 किलोमीटर दूर तक जाम लग गया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वो भी मेन रोड रिंग रोड। ज़्यादा मत दबाओ, इधर बस है, बस है, बस है, बस है, इधर मत सटाओ ज़्यादा, रगड़ देगा बस वाला, फिर हल्का राइट ही रखो अपनी गाड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर गाड़ी खड़ी गाड़ी काटोगे तो टकरा जाएगी, अगर आप खड़ी गाड़ी काटोगे तो टकरा जाएगी, क्योंकि स्पेस नहीं है, ना राइट में स्पेस है ना लेफ्ट में स्पेस है, दोनों साइड स्पेस नहीं है। देख रहे हो बस से और कितना स्पेस है, ये गाड़ी और बस 1 फीट भी नहीं है पूरा, देख रहे हो, ये देखो 1 फीट का, ये बस को टच करके, ये मिरर अगर मैं बंद कर देता हूँ तब 1 फीट का है और मिरर खोलने के बाद 1 फीट का भी स्पेस नहीं है। और इसी तरीके से राइट साइड है, इधर कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए लेफ्ट साइड में? 2 फीट, 2 फीट की जगह छोड़नी चाहिए, हाँ यानी 2 बाइक्स निकल जाए, 2 फीट में 2 बाइक कैसे निकल जाएंगी भाई, बाइक हाँ। की चौड़ाई 3 फीट की होती है, सही एक बाइक भी नहीं निकल पाएगी।
दोस्तों बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, फंस गए अब तो बुरी तरीके से। 20 मिनट से ज़्यादा हो गए एक ही जगह खड़े हुए। क्यों दिक्कत क्या है, ब्लॉक कर रखा है, मुझे लग रहा है सामने निकलने नहीं गए ट्रैफिक को। निकलने दो बस वाले को, निकलने दो, निकलने दो, बस 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 बस, बंद भी कर सकते हैं जाम में लेकिन। हाँ बंद कर सकते हो, अगर तगड़ा जाम है तो आप गाड़ी को इंजन को ऑफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कर लीजिए बंद कर लीजिए। बार बार ऑन करने से ऑफ करने से माइलेज पे तो फर्क नहीं आया ना? माइलेज पे फर्क नहीं आता, लेकिन अब एक ही कंटिन्यू एक जगह आप 5 मिनट खड़े रहोगे स्टार्ट करके तो वो भी तो समझदारी नहीं है ना। पिछले 20 मिनट से हम लोग एक ही जगह खड़े हुए हैं, मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं क्रॉस कर पाए होंगे 20 मिनट में। स्टार्ट करो, हल्का एक्सीलेटर लेके स्टार्ट करो कि गाड़ी फट स्टार्ट हो जाएगी। अगर हल्का सा, हाँ भाई, डिस्टेंस मेंटेन रखना, दोनों साइड नज़र रखना, बस भी है इधर। इसमें 10 से 15 मिनट हो गए, बताओ एक ही जगह खड़े खड़े। 8 बजे वाला स्टूडेंट आ गया होगा। स्लो हल्का लेफ्ट दबाओ, जाओ दबाओ लेफ्ट, जाओ जाओ बस, और लेफ्ट आओ बस, हाँ बस जाने दो, सीधी रखो सीधी, चलो चलो खिसकाते रहो चावल चावल, ज़्यादा गैप ना करो, डिस्टेंस मेंटेन ना करो, हाँ धीरे धीरे खिसकाते रहो, जाने दो। रोक रोक कर गाड़ी बढ़ानी है, यहाँ पे जरा सा भी क्लच और ब्रेक का गड़बड़ी हुई तो गाड़ी बंद हो जाएगी, समझ रहे हैं? दोस्तों देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त जाम, इसको बोलते भीषण जाम, एकदम खतरनाक वाला जाम। अगर ट्रैफिक चाहे जितना हो, ट्रैफिक धीरे धीरे मूव कर रहा है तो दिक्कत नहीं होती है, अगर धीरे धीरे मूव कर रहा होता है, जब गाड़ी एकदम खड़ी हो जाती है ना तो फिर बहुत दिक्कत होने लगती है, अगर धीरे धीरे आप खिसक रहे हो तो निकल जाओगे। तीसरे दिन के हिसाब से जाम कुछ ज़्यादा नहीं है, तीसरे दिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जाम है ये, ऐसे जाम की तमन्ना थी मेरी चलाने की। बस आज कॉन्फिडेंस आ गया, अब आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हो, जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस था ना वो भी आ गया, आप ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आप गाड़ी निकाल, इस जाम में अगर आपने चला लिया तो समझ लो आप हर जगह चला सकते हो, आप समझ लो अमीनाबाद में चला रहे हो इस टाइम जी, अमीनाबाद में ऐसे गाड़ी खिसकती है धीरे धीरे। अमीनाबाद नखास अमीनाबाद बुद्ध बाजार ये जो है डंडैया वंडैया में, इसी तरीके से गाड़ी दो कदम बढ़ती फिर खड़ी हो जाती है, दो कदम बढ़ती फिर खड़ी हो जाती है। देखो राइट साइड का ट्रैफिक बिंदास चल रहा है, है? सुबह के टाइम वो भी 7-8 बजे के टाइम, ये इतना जबरदस्त जाम। जाने दो धीरे धीरे, लेफ्ट में रखे राइट, हाँ लेफ्ट ही रखो, हम लोग को सीधा चलना है ना।
बंद हो गई गाड़ी, स्टार्ट करो, हल्का ट्रेस लेके जाओ, चलो चलो खिसकाओ, लेफ्ट आओ, ज़्यादा राइट मत रखना, रगड़ जाएगी इसकी नेक्सॉन। हाँ बस हल्का राइट ही रखो, तो बस इधर, बस बस भाई दोनों साइड देखो, खिसकाओ राइट को, हल्का राइट, हाँ राइट, बस धीरे धीरे राइट, हाँ बस भी है ना इधर, बस को भी तो देखना है, बस वाला दबाएगा भी राइट, जाओ जाओ खिसकाओ धीरे धीरे, हाँ जाओ 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 जाओ, निकलने दो बस को, निकलने दो, हाँ जाओ जाओ धीरे धीरे, खिसकाती रहो खिसकाती रहो, देख रहे हो दोस्तों क्या ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है, इतना खतरनाक, जाओ सीधा जाना, सीधा सीधा निकालो निकालो, हाँ जाओ धीरे धीरे, खिसकाओ खिसकाओ खिसकाओ, चलो जाने दो, जाओ जाओ जाओ, देख रहे हो क्या जाम लगा है, और अगर पुलिस नहीं आती ना तो ये खुलता नहीं, अगर पुलिस नहीं आती तो ये खुलता नहीं, बहुत तगड़ा जाम है, देखो इधर खाली पड़ा है पूरा है, चलो बढ़ा लो। फाइनली दोस्तों जाम से निकल चुके हैं, अभी पिछले 20 से 25 मिनट से जाम में भाई फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा ही मेडिटेशन हो रही है, और भाई को आज हो गई प्रैक्टिस जाम की तगड़े सी, बढ़ाओ स्पीड, बहुत तगड़े से इनकी प्रैक्टिस हो गई जाम की। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।